अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। मरियम नवाज शरीफ के जलसे में तीन तीन चार चार घंटे पहले लोग आते हैं और लाखों की तादाद में आते हैं, और मौलवी साहब के पास एक बंदा भी नहीं आता जब खुतबा देते। क्यों? क्योंकि एक अट्रैक्शन की जो पावर और ग्रामर है ना, वो मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे। ये सुपरफिशियल बात है, एपिडर्मल कहते हैं इसको, कि मौलवी अट्रैक्टिव नहीं है, उसकी बात में चाशनी नहीं है, मगर असल में जो मसला है वो पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ ताकि सबको पता हो। जो बंदा भी इंसान की फितरी रिक्वायरमेंट को आवाज देगा उसकी तरफ लोग पिल पड़ेंगे सारे, लाखों में। और मौलवी साहब जो है ना, वो फितरी रिक्वायरमेंट को मुबर्रा कर चुका है। जी अलामत अली शफी साहब, पहली बात तो ये है कि अगर मुझे नहीं पता ये साहब कौन है, लेकिन ये मुझे बड़े लाइलम से लगते हैं हालात से जी। तो अगर तो इस तरह प्रोग्राम करना है तो मैं माजरत करूंगा, क्योंकि मैं इनको जानता नहीं और ये शुरू से चले हैं मौलवी साहब मौलवी साहब मौलवी साहब। गुजारिश ये है कि चूंकि मैंने छोड़ दिया हुआ है ये जो टीवी के ऊपर इस तरह का मुजादला है ना, और ये भी आ जाए मैदान में और एक मौलवी को भी हम बुला लेते हैं, आम जो मस्जिद का मौलवी है वो इनसे ज्यादा आदमी इकट्ठे कर लेगा। और अगर जलसों की बात है कि खान साहब का या मरियम का, तो इस मुल्क के अंदर बेचारी भूखी आवाम है, जिसको भी आप खाना देंगे पानी देंगे वो मीनारे पाकिस्तान भी भर देंगे, ट्रांसपोर्ट दें जितने मर्जी लोग ले आए। प्राइवेट में 20 लाख लोग जमा होते हैं, क्या उनको कोई पैसे देकर लेके आता है? ये भाई साहब मैं नहीं जानता, मैंने मुझे नहीं पता ये कौन साहब है, मैं बैठ नहीं सकता ऐसे शख्स के साथ। सुन ले, मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं बैठ सकता जिसको इखलाकियात ही ना आती हो। इनकी इनको मैं चैलेंज करता हूँ कि ये हज के बाद कोई दिन मुकर्रर कर ले। ये भी बर्दाश्त का मतलब बदतमीजी तो नहीं है ना, बर्दाश्त का मतलब पारस बदतमीजी नहीं है, बर्दाश्त का मतलब जो है वो बेहूदगी नहीं है, बर्दाश्त का मतलब गाली नहीं है कि एक शख्स जिसको कोई जानता नहीं है वो पूरे पाकिस्तान के उलमा और मशायख को जो है वो देरता भी बैठ के। अच्छा अब नजम शाह साहब की सुन ले, पीछे 100 बंदा नहीं खड़ा होगा और मेरे आम मस्जिद के इमाम के पीछे 1 लाख बंदा भी आने को तैयार हो जाएगा। अच्छा जरा नजम शाह साहब की सुन ले, जरा आदमी के साथ बैठ ही नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो ऐसे बदतमीज शख्स के साथ बैठ ही नहीं सकता। उन्हें यह समझ आ गई थी कि ये अभी 5 मिनट में मैंने इतनी करवा ली है अपनी और अपने बड़ों की, और अगले घंटे के अंदर तो बचने ही कुछ नहीं है। जो आपको याद है कि मैंने भी 1.5-2 साल पहले कहा था कि इसी को कहा था, ये उस वक्त गवर्नमेंट में था ना, मैंने कहा था कि तुझे बड़ा शौक है ना मुनाजरे करवाने का, तू बैठ पीटीवी के ऊपर और बुला ले जितने बड़े बुला सकते हो, ताकि उस्मानी साहब को बुलाना है, मुफ्ती मुनीब साहब को बुलाना है, किसी और को बुलाना है बुलाओ और लाइव प्रोग्राम चले, अपने मौके पे तुम बोलो, फिर मैं भी रिबटल करूंगा, मैं बताऊंगा कि इनके अकायद और नजरियात क्या है अल मुहन्नत अडल मुफन्नत के अंदर और कुरान और सुन्नत में क्या अकीदे लिखे हैं। मैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और वो मेरी करामत 1.5-2 साल के बाद जाहिर हुई कि आप देख लेंगे इतनी देरी बात सुन सकते हैं, उसूली बात ये सुन के तो उठ गए हैं। अभी तो रेफरेंसेस के साथ अगर मैं बैठा हूं तो क्या हाल हो, वो नियो टीवी के ऊपर आपने देख नहीं लिया, वो कह रहे हैं कि ये साहिल जो है ये गालियां निकाल रहा है हमें, उसमें गाली कहीं आपने सुनी है कि उसने निकाली है? सरकार इनके लिए यही गाली है कि आप इन्हें ये कह दें कि भाई आपकी तकरीर तो सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, इसको गाली समझते हैं, कीड़ी से भी छोटा दिल है इन लोगों का। हालांकि ये बात खुद ताहिर अशरफी साहब खुद कह चुके थे कि वाम तो जी वो अरबी खुतबे के वक्त आती है, भाई तू खुद मान रहा है कि लोग तेरी बात नहीं सुनते, अब उसी बात को अगर एक दूसरा बंदा रिपीट कर रहा है तो उसके ऊपर गुस्सा खा रहा है। और फिर तकब्बुर इतना है इन मौलवियों के अंदर भरा हुआ, स्टार्ट में बताओ क्या, मैं तो जानते ही नहीं है कौन है, मुझे बताए इसका उस सवाल से क्या ताल्लुक है जो एंकर ने किया है कि मैं ये नहीं जानता कि सामने कौन है। भाई तू ये भी बोल के मैं ये नहीं जानता कि जिस कैमरे में आप वीडियो बना रहे हैं इसके पीछे कैमरामैन कौन खड़ा हुआ है, इसका ऐसे क्या लेना देना? तुम लोगों से कोई बात पूछता है तो और तरफ चल पड़ते हो, तेरी फूफी भी नस गई थी। बात है करने वाली, सवाल कोई और हो रहा है तो फूफी की तू नस गई, फूफी बेशक नस गई हो गए लेकिन सवाल तो अपनी जगह कायम है। तो कहते मैं तो उसे जानता ही नहीं हूं कौन है, फिर कहा कि ये ला इल्म है, ये उनके पास एक बड़ी एक वर्डिक्ट है मोटी सी, फिर कहा कि जी ये इसे अखलाक ही नहीं है और ये जो है उलमा के यहां पे बखिये उधेड़ रहा है, मौलवी साहब क्या कहे, तो मौलवी साहब कह रहे हैं ना और क्या कहे तुम्हें, पादरी साहब कहे, मौलवी हो ना और क्या हो, और ये रिस्पेक्टेबल वर्ड है, तुम्हारी वजह से बदनाम हुआ ना, ठीक है ना, इससे बेहतर लफ्ज क्या हो सकता था। और फिर ये कहता है कि जी इंतहाई बेहुदा इंसान है, ये बेहुदा का लफ्ज भी उसने इस्तेमाल किया। और फिर एंड में गाड़ी में माजत करता हूं, उठ के वहां से वो कॉलर माइक उतार के चले गए। ये इन लोगों का टोटल टेम्परामेंट है,
ये लोग बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं, इनमें इतना हौसला नहीं है कि अपने मुखालिफ की बात सुन लें। अब मुझे बताएं, ये जो मुझे बार बार कहते हैं जी बिठाओ उलमा के सामने, बिठाओ उलमा के सामने, तो उलमा के साथ तो जो मैंने कर दिया है इस रमजान के अंदर, एक न्यू टीवी के प्रोग्राम पे जो फिरका वारियत वाला, और दूसरा जी टीवी पे सुलह हसन के ऊपर, सुनीशिया कन्फ्लिक्ट के ऊपर भी जो इन्होंने मंजी ठुकवा ली, और फिरका वाराना नजरियात के ऊपर भी, वो आपके सामने है। इसके बाद तो मेरे ख्याल आपको जरूरत ही नहीं है, किसी में हौसला ही नहीं बैठने का, ये सुन ही नहीं सकते। हूं पता लगा बच्चू जी।